आज हम लोग लीड कोड का 326 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है पावर ऑफ थ्री। तो इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे एंड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में इसको सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि कोई नंबर है, यदि उसको कंप्लीटली हम थ्री के पावर के टर्म में लिख सकते हैं तो मेरे को ट्रू रिटर्न करना है, यदि नहीं लिख सकते हैं तो फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे मैं 27 था, ठीक है, तो इसको हम थ्री के पावर कितना लिख सकते हैं, थ्री के पावर थ्री पावर थ्री में लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 27, ठीक है। इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको फिर थ्री के पावर टू लिखेंगे। तो जब नंबर को लिख सकते हैं तो टू रिटर्न करना है, यदि नहीं लिखेंगे तो वहां पे फॉल्स रिटर्न करना है। देखो जो मेरा नंबर होगा वो मेरा क्या हो सकता है, आते हैं जो मेरा नंबर होगा वो हो सकता है आइदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, या मेरा नंबर जो हो सकता है वह जीरो हो सकता है, या नंबर मेरा पॉजिटिव हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी है। तो जब मेरा नंबर नेगेटिव होगा उसको हम कभी भी थ्री के पावर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं हो गया -4 हो गया, -5 हो गया, -9 हो गया, मान लो ये सब जो नंबर है इसको कभी भी हम थ्री के पावर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि शुरू में जो नेगेटिव लग गया इसमें, ठीक है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो हमेशा मेरे को फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। जब नंबर जीरो आएगा तो भी उसको नहीं लिख सकते हैं, जीरो की थ्री के पावर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। एक केस में लिखेंगे क्या, थ्री के पावर -∞, तो वहां पर जीरो आने का चांस है, लेकिन -∞ नहीं ले सकते, ये भी इसके साथ चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा, उतना लंबा मेरा टेस्ट केस नहीं आएगा, ठीक है। एंड जब नंबर मेरा पॉजिटिव होगा तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नंबर मेरा उसका वैल्यू 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, एक केस हो सकता है। नंबर मेरा 1 है उस केस में ही थ्री की पावर जीरो लिखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। यानी नंबर जब 1 था हम थ्री की पावर को जीरो टर्म में लिख दिए, यानी यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करेंगे। जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो वहां पे दो केस मेरे को चेक करना पड़ेगा, जो नंबर में हम 3 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, यदि नंबर उसका 0 आ रहा होगा, ठीक है, यदि नंबर उसका 0 आ रहा होगा तो 3 से वो कम्प्लीटली डिविजल हो सकता है, ठीक है, बार बार डिवाइड करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। यदि नहीं आएगा 0, मतलब कि जब 3 से डिवाइड किया नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब कि वहां पूछ सकता है किस रिमाइंडर 1 आया होगा या 2 आया होगा, उस केस में उसको हम कभी भी थ्री के पावर के टर्म में नहीं लिख सकते, तो वहां से भी हम पॉजिटिव करेंगे, ठीक। जब थ्री से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया है तो वहां पे केस बन सकता है, ठीक है, तो वहां पे और थ्री के पावर के टर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते रहेंगे, हमेशा चेक करते रहेंगे। तो देखो बेस कंडीशन मेरा क्या होगा, जब मेरा वैल्यू नेगेटिव होगा या जीरो होगा वहां पर फॉल्स रिटर्न करना है। इसको कंबाइन में हम देख सकते हैं कि जब मेरा एन का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक। जब एन का वैल्यू 1 होगा तो वहां पर ट्रू रिटर्न करेंगे, दूसरा कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन एन लेस देन 1 फॉल्स, दूसरा एन इज इक्वल टू 1 होगा तो ट्रू रिटर्न करेंगे। उसके बाद हम उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, यदि जीरो आता है तो आगे केस रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, फिर चेक करेंगे, यदि जीरो नहीं आता है तो अगला में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो कोड पे आते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। Thank you.
आते हैं में, तो मेरा क्या था जब मेरा नेगेटिव हुआ या जीरो हुआ तो वहां पे नहीं लिख सकते, मतलब इन लेस देन जब जीरो हुआ तो मैं उल्टा मेरा एन का वैल्यू वन होता है वन करना पड़ेगा मेरे को टू, एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा ठीक है, उस केस में क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि वो थ्री का मल्टीपल टाइप में यदि उसका रिमाइंडर जीरो आएगा तो मल्टीपल होगा, उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे इस पावर ऑफ तो उसको बार बार थ्री से डिवाइड करके छोटा करते रहेंगे, यदि कंडीशन इफ ट्रू होता है उसको इसका मतलब हुआ कि उसको हम लिख सकते हैं थ्री के पावर बटन में रिटर्न कर देंगे ट्रू, ऐसे होगा इसका ड्राई रन करेंगे तो दर्ज होगा, यदि थ्री का मल्टीपल नहीं होगा मतलब कि कुछ और नंबर होगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे को फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, पहले इस कोड को रन करके देखते हैं उसके बाद ड्राई रन करेंगे, और भी टेस्ट के स्कूल देखते हैं एन एच कर जीरो अगला टेस्ट के समय नाइन अगला टेस्ट के समय 45 ठीक है, तो सभी टेस्ट के समय रन होंगे हम इसका ड्राई रन करते हैं ठीक है, पहला मेरा क्या था 27 है देखो पहला मेरा 27 था तो 27 क्या होगा 27 फंक्शन का 27 जाएगा तो क्या होगा ए वाला जो कंडीशन है मेरा 27 लेस देन 1 यहाँ पे मतलब एक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ ठीक है, तो यहाँ पे एक तो फॉलो नहीं करेगा, फिर अगला लाइन में चलाएंगे n is equal to मतलब 27 equal equal to 1 फॉल्स हो गया ये भी नहीं होगा, अगला लाइन में फिर आएंगे अब क्या करेंगे 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे ठीक, 3 नंबर से आज ठीक, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा रिमाइंडर मेरा 0 आ गया मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, यानी बोल सकते हैं कि ए वाला जो मेरा कंडीशन था ट्रू हो गया ठीक है, अब आगे फिर जाएंगे इच पावर ऑफ थ्री इस फंक्शन को कॉल करेंगे फिर से एंड क्या करेंगे कि थ्री से डिवाइड कर देंगे, 27 था इसको क्या किया थ्री से डिवाइड किया कितना आ गया मेरा 9 आ गया, अब क्या करेंगे इस 9 को ये फंक्शन में फिर से कॉल करेंगे, तो देखो 9 लेस देन 1 ये भी फॉल्स हो गया, 9 इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया, अब फिर क्या करेंगे 9 3 से डिवाइड करेंगे ठीक, अब तो देखो फिर डिवाइड करेंगे तो ये 2 ही आएगा, फिर मतलब देखो एक्चुअल में इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं था क्योंकि पहले ये ऑलरेडी हो चुका था, तो यहाँ पे फिर करेंगे ठीक है, अब 9 बाई फिर 3 करेंगे कितना आएगा 3, फिर उसी प्रकार फिर 3 से करेंगे मतलब फिर ऐसे वैल्यू जो आएगा यहाँ पे आएगा फिर ऐसे ऐसे करते होते हुए फिर यहाँ पे आएगा ठीक है, तो 3 बाई 3 की कितना आ गया अब 1 आ गया, अब देखो जब n का वैल्यू 1 होगा तो कहाँ पे जाएगा ये वाला कंडीशन पर रन करेगा, इसका मतलब हुआ ये 2 आ गया, ये पहले ये 2 रिटर्न किया हुआ था मेरा ठीक है, और फिर यह 2 रिटर्न कर दिया, अब देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है ट्रू एंड ट्रू मतलब क्या हो गया ओवरऑल में क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, तो एक कंडीशन मेरा ट्रू हो गया पूरा, इसका मतलब हुआ इसके अंदर
इन कर सकते हैं, जब इन करेंगे तो क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ रिटर्न कर देगा ट्रू, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू। अब आते हैं दूसरा रन ड्राइव रन करते हैं, दूसरा मेरा क्या है एन इज कर टू जीरो है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब मेरा एन का वैल्यू कितना है जीरो, जब एन का वैल्यू जीरो होगा देखो जीरो जीरो लेस देन वन, ठीक है जीरो लेस देन वन कंडीशन तो सही लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक फॉल्स रिटर्न कर देंगे, फॉल्स मेरा आंसर आ गया। अब देखो एन का वैल्यू मेरा नाइन है, ठीक है अगला कैसे एन का वैल्यू नाइन, जब नाइन यहाँ पाएगा नाइन लेस देन वन कंडीशन फॉल्स है, आगे रन ही नहीं करेगा। n इक्वल इक्वल टू वन मतलब नाइन इक्वल इक्वल टू वन, यहाँ पे भी फॉल्स हो गया, आगे रन ही नहीं करेगा। अब देखो जब लाइन नंबर एट में आएंगे तो नाइन को थ्री से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आएगा, तीन तीन कट जाएगा रिमाइंडर में आ गया जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे फंक्शन फिर कॉल होगा, रिवर्स फंक्शन फिर मेरा कॉल होगा इस पावर ऑफ थ्री, क्या करेंगे यहाँ से नाइन बाई थ्री कितना आएगा थ्री आएगा, तो जो फंक्शन कॉल होगा उसमें कितना वैल्यू जाएगा थ्री जाएगा, थ्री जाएगा यहाँ थ्री लेस देन वन नहीं होगा, थ्री इक्वल टू वन नहीं होगा। और फिर तो क्या करेंगे अगला बार में, फिर जो थ्री आया थ्री बाई थ्री करेंगे और ही छोटा हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया वन आ गया। अब देखो वन आया एन का वैल्यू जब वन हुआ तो कितना रिटर्न कर देगा यहाँ डायरेक्टली रिटर्न कर देगा टू, इसका मतलब इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया टू आ गया। और जब शुरू में हम चेक किए थे एन में थ्री से डिवाइड किया था रिमाइंडर कितना जीरो आया था, मतलब जीरो टू आया था, ठीक है। देखो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है कि दोनों टू है, इसका मतलब ओवरऑल टू हो गया। और इफ कंडीशन क्या होगा, जब टू आएगा तो वह कंडीशन जो उसके अंदर होगा वो तो रन होगा, इसका मतलब रिटर्न कर देगा या यहाँ वाला जो वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा, मतलब टू रिटर्न कर देगा। ये भी ड्राई रन सक्सेसफुल हो गया, फिर आगे अगला ड्राई रन देते हैं फिर से। अगला मिला है ठीक है 45 45 को ड्राइव रन कर देते हैं, मेरा क्या है 45 45 लेस देन 1 फॉल्स, 45 इक्वल इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब 45 में जब लाइन नंबर 8 में 45 में 3 से डिवाइड करेंगे, जब रिमाइंडर चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 45 कंप्लीटली कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा मेरा ये ट्रू आ गया, ठीक। अब देखो अब इसके बाद यहाँ पे जाएगा, अब क्या करेंगे ये पावर फंक्शन मतलब इस पावर ऑफ थ्री रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, क्या करेंगे उसमें 45 बाई थ्री आएगा, यहाँ से 45 बाई थ्री करेंगे तो 45 बाई थ्री कितना होगा 15 आएगा, ठीक है। फिर वही 15 जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर चेक करेगा 15 लेस देन 1 15 इक्वल टू 1 सपोज हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर ये 15 बाई थ्री आएगा यानी कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखो जब 5 आए एन के वैल्यू जब मेरा 5 आया, ठीक है, तो जब यहाँ पे जब 5 आएगा क्या करेंगे 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ से ही ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब इस कंडीशन में नहीं जाएगा, यहाँ से ये आना आ जाएगा डायरेक्टली यानी रिटर्न कर देगा मेरा फॉल्स, ठीक। जब भी सबसे पहले क्या चेक करेगा वह थ्री से कम्प्लीटली डिजिटल फिर डिजिटल होता तब यहाँ पे जाता, यदि नहीं होता है डिजिटल थ्री से तो डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न करके यहाँ पे चल जाएगा रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक।
ऐसा कोर्ट समझ में आया होगा और ड्राई रन भी समझ में आया।